हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी एग्जाम 6 मार्च 2024 फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिसने अभी एग्जाम नहीं दिया एसएससी जीडी का, उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसको आप फैक्ट के तौर पर याद रखना, ठीक है, और खो खो खेल के बारे में बाकी चीजें भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आया था? नेक्स्ट आया था दीपिका पल्लिकर का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सगबेस। दीपिका पल्लिकर का संबंध सगबेस से है। ठीक है, अब नेक्स्ट को देख लेते हैं, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आया था? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जनगणना से रिलेटेड। ठीक है, क्या आया था? 2011 की जनगणना के अनुसार 91.3% साक्षरता दर किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मिजोरम। और केरल की कितनी है? केरल की है साक्षरता 94.0%, यानी 94%। ठीक है, अब इसको भी आप फैक्ट के तौर पर याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आया था? चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा गार्डगिल फॉर्मल पर आधारित थी। और ये कब आई थी? ये आई थी सन 1969 से लेके 1974 तक। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन था मोंग वोंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा लांगालैंड। मोंग वोंग लांगालैंड से संबंधित है और ये एक लांगालैंड का फसल त्योहार है। इसको भी आप फैक्ट की तौर पर याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आया था? नेक्स्ट आया था लेजिम लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। लेजिम लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया है करंट अफेयर्स से, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर रहेगा सौराष्ट्र ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आया था? भारत का देशभक्त राजकुमार किसे कहा जाता है? देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। भारत का देशभक्त राजकुमार सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आया था। नेक्स्ट आया था वेतन में असमानता संविधान के किस भाग में आता है? तो इस देखो अगर भाग पूछा होता तो इस भाग तो 4 आता है, लेकिन उसके बारे में कुछ बेसिक अनुच्छेद 39D और 41 के माध्यम के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और काम के और अधिकार के सिद्धांत को मान्यता दी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अंदर में इंडिया यूके 80 वर्ष ऑनर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, परम शून्य ताप पर कण की नीति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शून्य, और परम शून्य ताप पर रहेगी -173 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राज की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्यपाल के पास राज्य की शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, सबसे अधिक लेख किस मौर्य शासक के प्राप्त है? ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा अशोक। सबसे अधिक लेख किस मौर्य शासक को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अशोक को प्राप्त है। नेक्स्ट को देख लेते हैं, नेक्स्ट आया था 100 दिन का रोजगार गारंटी किस योजना में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
मनरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार गारंटी किस मतलब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आय असमानता किस में आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गरीबी, लिंग, धर्म और जाति। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है या फिर कौन से तारीख को था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।